ज वन ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज चल रहा है जिनको भी रिजल्ट मिले मेरे साथ में फीडबैक आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें जिससे और भी लोग उस चैलेंज को पार्टिसिपेट करें और अच्छे से उस चैलेंज को करें जिससे उनको भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए फाइनली आज की वीडियो जो है हमारी वन ईयर हेयर ग्रोथ सेकेंड मंथ की लास्ट वीडियो है हेयर हाइड्रोसोल ये हाइड्रोसोल आपका जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आपके स्केल्प में इचिंग की प्रॉब्लम है डेंड्रफ की प्रॉब्लम है आपके बालों की ग्रोथ रुकी रुकी हुई है या आपकी जो स्केल्प है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है या फिर आपकी स्केल्प हेल्दी नहीं है उनको हेल्दी करेगा जुएं की प्रॉब्लम है लीज की प्रॉब्लम है डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम को ये क्योर करेगा और आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा जिससे वो ग्रोथ अच्छी होगी आपके बालों की डेंसिटी अच्छी होगी और आपकी जो चोटी होगी वो आपकी लाइक रिस्ट की तरह मोटी होना शुरू हो जाएगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट मैं हूं सीमा जहां मैं शेयर करती हूं डेली बेसिस में आप सभी लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो और एक इवनिंग में लेकर आती हूं मैं एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहती है रहती है ना सही बता रही ना तो आप लोगों को क्या करना है आज की वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है क्योंकि ये हमारा वन ईयर का सेकेंड मंथ का लास्ट पार्ट है लास्ट वीडियो है इसके बाद जो वीडियोस की आप लोग डिमांड करेंगे वो स्किन केयर हो हेयर केयर हो समर हेयर से रिलेटेड हो तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ठीक है तो आज की वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी जिसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम ठीक है तो आज का जो हेयर हाइड्रोसोल है उसकी रेसिपीज देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है आप लोगों के साथ में अपने कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स आप चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं बालों की केयर के लिए बिल्कुल भी कताई मत करिए बालों को अच्छे से प्यार कीजिए बालों की अच्छे से केयर कीजिए आप देखेंगे कि आपके बाल सच में बहुत अच्छे होंगे मेरे पास एक मैम का कमेंट आया कि दीदी आपकी वीडियोज बहुत अच्छी होती बट आपकी वीडियो में बहुत ज्यादा तीन झाम होता है तो जाहिर सी बात है अगर रोटी बनाओगे तो उसके लिए गेहूं चाहिए गेहूं अगर आप लेकर आओगे उसको तो आटा पिसवाओगे फिर आप उसके बाद रोटी बनाओगे उसके साथ आपको सब्जी भी चाहिए आप केवल रोटी नहीं खा सकते ना तो इसी तरीके से हमारे बाल हैं इससे अच्छा है कि आप टकले हो जाओ आपके पास दो ही चॉइस है या तो बाल या तो फिर आप टकले है ना तो आप लोग देखिए आप लोग को क्या करना है बालों को मोटा करना लंबा करना है या फिर आपको अपने बालों से हाथ धोना है ऐसे ऐसे करके तो आप लोग डिसाइड कर दीजिएगा तो चाहे तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और चाहे तो हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं मैंने आप लोग के साथ में वन ईयर का सेकेंड मंथ का सारा कुछ शेयर कर दिया है लास्ट पार्ट है हेयर हाइड्रोसोल इसको इस हाइड्रोसोल को आपको बना करके रखना है सेवन डेज के लिए उसके बाद आप इसको यूज करेंगे यूज करने का तरीका क्या करना है आपको एक कप अपना हाइड्रोसोल लेना है और उसमें ही बराबर मात्रा में एक कप में आपको पानी लेना है एक कप हाइड्रोसोल और एक कप आपको पानी लेना है दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है शैम्पू के बाद आपको शैम्पू के बाद अपने पूरे बालों को उसमें डिप करना है या फिर आप सर से ऐसे करके भी डाल सकते हैं ठीक है और उसके बाद आपको दो मिनट का वेट करना है उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको रिंस कर देना है या फिर आप चाहें तो यहाँ पर रिंस वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद टावल से लपेट करके अपने बालों को आप सुखा लीजिए आप बालों में एकदम शाइन देखेंगे आप कहते हैं ना दीदी आपके बाल कितने ज़्यादा स्ट्रेट लगते हैं लाइक रिबॉन्डिंग जैसे आपके बाल लगते हैं तो वो इन्हीं सब चीज़ों से जब आपको चीजें पता होती हैं कि कौन सी चीजें कब यूज करनी है किस तरीके से यूज करनी तो आपके बाल भी वैसे ही हो जाते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो हेयर हाइड्रोसोल है इसको कैसे बनाना है उसके बाद में मिलती हूँ ठीक है सो so गाइज हेयर हाइड्रोसोल बनाने के लिए हमें चाहिए आपका एक कांच का जार देखिए हेयर हाइड्रोसोल जो होता है ना कांच के जार में ही रखना है ये कंपल्सरी है यहाँ पर आप कांच का मग आता है कांच के जग आते हैं वो यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एस टी बोटानिका का एप्पल साइडर विनेगर लिया हुआ है ये आपका एक लीटर का है या फिर 500 सौ वाला है शायद उसका भी मैंने आधा ही यूज़ किया हुआ है ठीक है यहाँ पर आपको लेना है आपका एलोवेरा की लीव्स फ्रेश वाली उसको आपको काट करके एक घंटे के लिए खड़ा करके रख देना है धोने के बाद जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे निकल जाएंगे येलो पार्ट में और उसके बाद से इसकी जो साइड्स होती हैं उसको काट करके आपको पूरा साबुत इसमें डाल देना है ठीक है जो भी इसके अंदर की गुडनेस होती है एप्पल साइडर विनेगर उसको अपनी ओर खींच लेता है और जब आप इसको जिस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं आप हेयर हाइड्रोसोल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं आप अपना मेकअप रिमूवर बना सकते हैं मेकअप के लिए आप इसको एज अ फेस टोनर यूज़ कर सकते हैं है ना तो आप इससे बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं आपने हेयर हाइड्रोसोल रेडी कर लिया इसका दो चम्मच ले लीजिए और आप उसमें 10 से 20 चम्मच के करीब रोज वाटर डाल दीजिए और इसको आप एज अ फेस टोनर भी यूज़ कर सकते हो वाइटनिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है आपका एलोवेरा की लीप्स को कट करके उसके बाद से हमने इसमें जो डालना है वो है आपका मिक्स स्प्राउट मैंने आप लोग को मिक्स स्प्राउट की फोटो डाली थी आप लोग को बताया था कि ये मिक्स स्प्राउट्स यूज़ होंगे हमारे तो आप लोग वो मिक्स स्प्राउट्स बना लीजिएगा मिक्स स्प्राउट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको छः चम्मच मिक्स स्प्राउट्स लेने हैं उसको रात भर के लिए भिगो देना है सुबह उठकर उसको आपको कॉटन के कपड़े में बांध करके रख देना है ठीक फ्रिज में और वो धीरे धीरे करके स्प्राउट्स बन जाएंगे तो उसके पाँच से छः चम्मच के करीब स्प्राउट्स डाल दीजिए ये आपका हाइड्रोसोल बहुत स्ट्रोंग होता है आपके स्कैल्प से इतनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब निकाल देता है और आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है जैसे आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं वो वर्क बहुत अच्छे से करती है ठीक है तो इसको आप लोग बनाइए यूज़ कीजिए मेरे साथ में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा तो चलिए फेस टू फेस बात करते हैं सो गाई देखा आपने हमारा जो हेयर हाइड्रोसोला बनकर रेडी हो चुका है इसको आप लोग बनाइए ये खराब नहीं होता इसमें कीड़े भी नहीं लगते ये खराब नहीं होता है ये महीने महीने तक आप आप इसको स्टोर कर सकते हैं बट डेली में अपने बालों को तो वॉश करते नहीं है हफ्ते में तीन बार ही वॉश करते हैं तो आपका ये तीन बार में खत्म हो जाएगा एक बार अगर आप बनाते हैं तो काफी स्ट्रांग होता है इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे तो आप लोग इसको बनाइए यूज कीजिए और मेरे साथ में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय लव यू टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा बाय